इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फिनेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेंगे, साथ साथ कितने मार्क्स का चैप्टर है, मार्च 2022 का जो पेपर है ये भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद जो पुराने पेपर्स एचएससी में कब और कहाँ कैसे पूछा था वो भी देखेंगे, और एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिला, ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने से पहले एक खुशखबरी, जो पिछला सिलेबस था एसपी का फर्स्ट चैप्टर, उसमें यहाँ पे तो कितना सारा था, फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में था, कैपिटल स्ट्रक्चर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्स्ट्रा एलिमेंट्स वाले पॉइंट्स थे। सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर पहले 100% था तो उसका 60-70% रखा हुआ है, और है ही कितना, एक दो। अच्छा, आपको 1.1 मीनिंग इंट्रोडक्शन इतना डिटेल काहे को करने का, डायरेक्टली मैं आपको एक बोलता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मीनिंग ऑफ फिनेंस या कॉर्पोरेट फिनेंस, देखो ए बी सी डी, ये आपका एक दो पेज ही हो जाएगा। आप आंसर ए बी सी डी फॉर्म में लिखना, वंस ये लिख दिया तो आपका ई बन जाएगा फीचर्स या मेरिट्स या दूसरा कोई क्वेश्चन, तो ये आपका कोई भी क्वेश्चन का स्टार्टिंग होगा। अब रहा सवाल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, फिनेंस में जो दो डिसीजन होते हैं ये आपको वैसे भी मार्क्स मिलना नहीं है, आप लिखोगे दो में, चार में मुश्किल से 2 मार्क के 3 मार्क रहेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप एक बार रीड कर लोगे, और ये इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन करने के बजाय ये आप कर लेना, ताकि जो आपका जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस, अब एक सिंपल सा लॉजिक है एग्जामिनेशन स्टडी का, जो 2022 के पेपर उसके पहले मैं शुरू करूंगा पहला चैप्टर। अभी जो वेटेज है, इफ आप चेक करोगे एसपी या ओसी चेक करो, इको चेक करो, उन्होंने चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स दिया है। यहाँ पे सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस 1 एंड 2 मिलकर 25 मार्क्स। हम क्या करेंगे, जब हम एसपी 2022 के पेपर में आएंगे तब हम चेक करेंगे कितना, मेरे हिसाब से 10 मार्क का होगा फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर करीबन 15 मार्क का होगा ऐसा। तो जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आप चेक करोगे, ये प्रोडक्शन साइकिल 2 मार्क का पूछा है, यहाँ पे फीचर्स ऑफ बॉन्ड पहले 3 में तो कुछ भी पूछा नहीं है, मतलब ये जो क्वेश्चन है 2023 के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस बहुत रेलेवेंट हो जाता है। एक और खासियत बताता हूं मैं, आजकल का ट्रेंड क्या है, एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस, इसका मतलब आपने 5 भी कर लिया एडवांटेजेस तो आपका काम हो जाता है। आपका आंसर आप कैसे लिखोगे, ए बी सी डी डेफिनेशन, और ई आपका होगा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस, मतलब 5 पॉइंट लर्न कर लेना, ये एक क्वेश्चन आने का चांस मार्च 2023 में बहुत ज्यादा है। और नहीं भी आता है तो फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस आया या कोई दूसरे प्रकार से आया तो आपका ये काम हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया, ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, आराम से कवर अप होता है। अच्छा, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ये जो फिक्स कैपिटल बोल रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये आप क्या करो, सेकेंड जब आप स्टडी करोगे तो आप ये बिल्कुल इससे शुरू नहीं करना, ये ए है ना, ये कैपिटल रिक्वायरमेंट से शुरू मत करो। आपका स्टडी किससे करोगे, आप बाय चांस ये आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो, आप दो दो लाइन, ये जो है ना इसका 2 लाइन ले लो, इसका 2 लाइन ले लो, डेफिनेशन 2 लाइन, और फिनेंस डिसीजन इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, इंपॉर्टेंस 5 कर लो, बराबर है। आपका एक क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस, उसके बाद आप ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट ये पैरा छोड़ दो, फिक्स कैपिटल का इतना पैरा छोड़ दो कोई जरूरत नहीं है, वर्किंग कैपिटल का ये पैरा छोड़ दो। आप बोल रहे हो सर आप छोड़ने को बोल रहे हैं, हाँ क्यों, क्योंकि जो इसका डिस्टिंग्विश है एंड में जो दिया हुआ है डिस्टिंग्विश, ये आप कर लो, इससे आपका फीचर्स भी हो जाएगा आपका डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा। हालांकि इन लोगों ने डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल बोल पूछा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा 20 साल का जो एक्सपीरियंस बोलता है कि हो सकता है इस साल वो फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल को स्किप कर दे,
क्यों स्किप कर दें उसका मैं आपको जेन्युइन रीजन बता रहा हूं, और मैं आपको सिलेबस में आप नोट करो इन लोगों ने क्या किया है। फर्स्ट और टू चैप्टर को कंबाइन कर दिया है, ठीक है, फर्स्ट और टू चैप्टर को कंबाइन किया है और पूछा डिस्टिंग्विश किस कौन से चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से पूछा है। आप पिछले 40 अटेम्प्ट का हिस्ट्री देख लो, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर लगभग सेम रहा है, ठीक है। तो इस बार फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल आने का चांस 99% नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने जो 40 अटेम्प्ट में से 40 अटेम्प्ट में पूछा था वो इस अटेम्प्ट में स्किप कर दिया। कौन सा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, सेकेंड चैप्टर का। इन्होंने मैं आपको इधर ले जाता हूँ, सेकेंड चैप्टर में ये मुझे लगता है ट्रांसफर ट्रांसमिशन थर्ड में आ गए हम। ये जो सेकेंड चैप्टर का जो क्वेश्चन है इक्विटी प्रेफरेंस, इसमें से ये देखो दिख रहा है आपको, मैं मेरे लाइफ में रेयरली 100% बोलता हूँ, मैं हमेशा 99.99% बोलता हूँ, लेकिन मैं 100% बोल रहा हूँ। शेयर्स डिबेंचर्स और या तो फिर इक्विटी प्रेफरेंस में से एक 99.99 भी नहीं, 100% पूछेंगे, क्योंकि 20 साल से सिखा रहा हूँ, 40-60 पेपर मैंने देख लिए, हर पेपर में दोनों में से एक तो आता ही था। पता नहीं क्यों उन लोगों ने मार्च 2022 में डाला। इसका मतलब शेयर डिबेंचर्स या इक्विटी प्रेफरेंस में से एक डिस्टिंग्विश 100% आएगा। इसका मतलब वो लोग फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल को आउट कर देंगे, उसके जगह पे इक्विटी प्रेफरेंस या तो शेयर डिबेंचर्स। अब ये लोग ने क्या किया था, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स पूछा था। इसका मतलब क्या करेंगे, ये लोग इधर इक्विटी प्रेफरेंस लेकर आएंगे या तो फिर यहाँ पे शेयर्स डिबेंचर्स लाएंगे और यहाँ पे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स पूछे। लेकिन ये क्वेश्चन तो तय है आना, इक्विटी प्रेफरेंस या शेयर्स डिबेंचर्स। इनफैक्ट मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको मुश्किल से 8 से 10 डिस्टिंग्विश दूंगा, या 6 भी 8 पकड़ लो, 6 ले लो, उसमें से 3 एग्जाम में आएगा, क्योंकि पूरे बुक में लिमिटेड है डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल मुझे नहीं लगता 2023 मार्च पे पूछेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंबाइंड है सिलेबस में, और सेकंड चैप्टर में से बहुत आश्चर्य की बात है उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा था। तो साफ इससे पता चलता है कि वो लोग ये जो है ना फिक्स वर्किंग को स्किप कर देंगे। इसका रिवर्स मतलब एक निकलता है, रिवर्स मतलब क्या निकलता है कि ये लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल और फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, आपको इस चैप्टर में से देखा जाए तो 4 ही क्वेश्चन करने हैं, और ये चारों 4 मार्क के में से एक फंसेगा। कौन सा? पहला जो है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसमें आपको 5 ही पॉइंट करना है। अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग एक बार चेक कर लेते हैं, किसी में पूछा था क्या इन लोगों ने, एक्सप्लेन यहाँ पे तो नहीं पूछा था, फिक्स कैपिटल के बारे में कुछ था क्या, नहीं था, इधर भी नहीं दिख रहा है। सो इसका मतलब ये लोग यहाँ पे ये लोग पूछेंगे आंसर इन ब्रीफ में, या तो 4 मार्क का फंसेगा या जस्टिफाई में एक फंसेगा। सिंस यहाँ से लोग हटा देंगे क्वेश्चन, 2 में से 1 ही जगह लेकर आएंगे, और ये लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अब देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स पूछा था, और फैक्टर्स मैं आपको बता दूं, फैक्टर्स कितने बार पूछा है तो आपको रिलेवेंस पता चलेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल देखो 2 बार, 1 बार पूछा है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल 1 बार पूछा है। तो ऑन एंड ऑल आपको फर्स्ट चैप्टर में से सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, कौन से, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, ठीक है, और एक और कर लेना ये जो है ना कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स, ये तो आपका इक्विटी प्रेफरेंस डिस्टिंग्विश में हो जाएगा, डिबेंचर आपका जो सेकेंड चैप्टर का डिस्टिंग्विश में हो जाएगा। सो मेरा एक एडवाइस है, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इधर देख लो, सेकेंड चैप्टर कर लो, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है।
सेकेंड चैप्टर का जो इक्विटी शेयर कैपिटल का आपके फीचर्स है वो इसमें डाल देना, सेकेंड चैप्टर में जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो डिस्टिंग्विश आप करोगे वो इधर डाल देना, रिटेन अर्निंग्स भी आपको मिल जाएगा सेकेंड चैप्टर में या आगे भी मिल जाएगा, डिबेंचर आपको मिल जाएगा सेकेंड चैप्टर में, टर्म लोन। सो देखा जाए तो एग्जाम में ये आपको ड्रॉ करने का टाइम नहीं रहेगा, तो आप ये जो ये क्वेश्चन यहां से करने के बजाय अपने सेकेंड चैप्टर का जो फीचर्स कर लिया वो इधर फिट कर देना। तो देखा जाए तो आपको फर्स्ट चैप्टर से तीन ही करने हैं। कौन से तीन करने हैं? सिग्निफिकेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, और एक कंपोनेंट्स के जो वन वन पॉइंट है ये हर एक पॉइंट का कंटेंट आपको सेकेंड चैप्टर से मिल जाएगा। और सिंस ये लास्ट ईयर पूछा था इसको रिपीट तो करेंगे नहीं, एक बार रीड कर लेना, ऑब्जेक्टिव्स में आपको काम में आएगा कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या है। फिक्स कैपिटल 1 साल के ऊपर जो कैपिटल लगाते हो, वर्किंग कैपिटल जो एक एक करके। अब जो इसका एक्सरसाइज है, हम SP 2022 का पेपर देखेंगे और मेरा एक्सपीरियंस है कि नॉर्मली पहला कुछ तो कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं, 2022 में कितने मार्क्स का आया था, डैश रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। आप देखोगे कि पहला डिस्टिंग्विश आया है, पहला पहला जो ऑब्जेक्टिव आया है। अब वो लोग क्या करेंगे, इससे पता चलता है कि वो लोग ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स में बाल भारती बुक के एंड के बाहर आता है, बट एसपी का ऐसे देखा गया SPOC का बाहर नहीं आता। सो 1 मार्क हुआ, मेरे साथ काउंट करो, इधर 1 मार्क सिक्योर सेकेंड चैप्टर डिपॉजिट अलग है नहीं, फिर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल मार्केट आगे कॉर्पोरेट फाइनेंस कितना हुआ, 2 मार्क हुआ, फिर डिविडेंड डिपॉजिट डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज इसमें कुछ भी नहीं, फिर डिपॉजिटर्स आर ओनर रिटेन, रिटेन अर्निंग सॉर्ट ऑफ बैठता है इसके साथ, प्रोडक्शन साइकिल 1 हुआ, 3 मार्क ये इसमें नहीं है, जॉइंट नेम्स नहीं है, 3 मार्क और ये 4 7 मार्क, ठीक है? और जो रिटेन अर्निंग्स सब मैं इस चैप्टर का पकड़ता हूँ, हालांकि वो नेक्स्ट चैप्टर में 8 पकड़ लो चलो। और क्या करेंगे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिफ्यूज टू ट्रांसफर द शेयर्स रेनी सेबी नी अनपेड नी डुप्लीकेट नी, कितना हुआ मार्क्स, 8। इसका मतलब साफ है, एक्चुअली पिछला जो सिलेबस था उसमें जो सेकेंड चैप्टर था, जो 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 इस बाल भारती में सेकेंड चैप्टर है वही 25 26 मार्क का था, 27 मार्क का था। मतलब इन लोगों ने क्या किया, मार्क्स विद ऑप्शन 25 रखा लेकिन 8 मार्क का ही पूछा। इसका मतलब एनी टाइम सेकेंड चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर में आप 3 क्वेश्चन करो तो आपका काम हो जाएगा। कौन सा, सिग्निफिकेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। आप एक और आपको एडवाइस करता हूं, जो ऑब्जेक्टिव्स है बाल भारती से करना, ये जो बाल भारती के एंड में जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, एक्सरसाइज केस लॉज इसमें से एक आएगा, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो मांग लेना तो कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगा। और ये जो केस जो इसमें केस है, केस ये लोग क्या करते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इसके बजाय गुजरात बोलेंगे, ये लोग नाम चेंज कर देते हैं, कंटेंट सेम रखते हैं। अच्छा, मैंने जो ऑब्जेक्टिव बनाया है उसमें केस स्टडी भी साथ में है, तो आपको उसी ऑब्जेक्टिव में केस स्टडी भी हो जाएगा। और एक और चीज है, जो कंटेंट है कई बार क्वेश्चन इसमें से आता है, और जोक की बात है इसमें वर्किंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे है तो सॉर्ट ऑफ आपको करना पड़ेगा, जस्टिफाई देर आर वेरियस फैक्टर्स आई एग्री बोल के उसके पॉइंट्स लिखने हैं, एटलीस्ट 5 से 8 पॉइंट आपको लर्न करना चाहिए। ये चैप्टर 2 घंटे का है, अब 2 घंटा ध्यान दो, 3 क्वेश्चन है। और जो ये जो है ना कॉर्पोरेट, कौन सा क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था कि जो 4 मार्क का पूछ सकते हैं वो आपको मैं उस तरफ ले चलता हूँ, ये वाला, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आप सेकेंड चैप्टर से करोगे तो आपका काम हो जाए। लॉजिक समझ में आया, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, सिंपल सा चैप्टर है, इसको छोड़ना मत, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपका 2 घंटे में हो जाएगा, ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है? इस अगला वीडियो में बनाऊंगा सेकेंड चैप्टर का, वो जरूर देख लेना। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स से शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मांग लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।